सभी को अंजलि का नमस्कार। क्या आप भी सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फ़ोन उठाकर व्हाट्सएप और फेसबुक देखते हैं? मैं भी ये सब करती थी, लेकिन अब मैंने थोड़ा अपना रूटीन चेंज किया है। आज मैं आपसे अपना सुबह का 2 घंटे का रूटीन शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं सुबह उठती हूँ तो मैं आई थैंक गॉड फॉर द ब्यूटिफुल डे। उसके बाद मैं बेड में ही अपने हैंड्स को अच्छे से रब करके उनको अपनी आईज़ पे लगाती हूँ, क्योंकि हमारे जो हैंड्स हैं उनकी जो टिप्स हैं सारी नर्व्स यहाँ पे एंड होती हैं, और वो रात को एक किस्म की दे आर यू नो काम। तो टू एक्टिवेट योर बॉडी एंड योर माइंड बिफोर गेटिंग अप, अगर आप उनको रब करके आईज़ पे लगाते हैं तो योर ब्रेन गेट एक्टिवेटेड, और उससे ये होता है कि तुम एकदम एक्टिवेशन आती है बॉडी में एंड यू फील एनर्जेटिक। सो आई डू दैट। उसके बाद साइड टेबल पे मैंने अपनी पानी की बॉटल रखी होती है, कॉपर की बॉटल है, उसको मैं पीती हूँ। आई होप आप भी ये सब कुछ ना कुछ तो लेते ही होंगे, मतलब हमें लेना भी चाहिए, जैसे कोई एक वार्म ग्लास ऑफ वाटर, या आप नींबू पानी और उसमें शहद डाल के ले सकते हैं, या आप फेनुग्रीक सीड मेथरे जिसको बोलते हैं वो रात को भिगो दीजिए और सुबह उसका पानी पी लीजिए, या आप जीरा भिगो दीजिए रात को और उसका पानी पी लीजिए। तो ये जो है ये मतलब आपको सुबह या प्लेन एक गिलास पानी पी लीजिए, इट्स रियली गुड फॉर यू, आपका पेट भी क्लियर होगा। सो आई ड्रिंक दैट, उसके बाद आई टेक माई बाथ और फिर थोड़ी सी मेडिटेशन एंड पूजा, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करती हूँ। पर हो सकता है कि आप बाद में बात लेते हो, पर मेरा ये है कि मैं बिना नहाए और पूजा किए मैं कुछ खाती नहीं हूँ, तो एक्सरसाइज के बाद एकदम भूख बढ़ जाती है। सो दैट्स वाई आई डू इट दिस वे। आप वैसे भी दूसरी तरह भी कर सकते हैं और आप होप करते भी होंगे। आई थिंक यू शुड गो फॉर वॉक, कुछ आप पौधों को पानी डालिए, डू सम योगा, डू सम एक्सरसाइज। आई मीन सुबह अपनी बॉडी को जरूर हमें एक 20-25 मिनट, मतलब 15 मिनट तो जरूर देने ही चाहिए। उससे ये होता है कि हमारी पूरी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और हम एक्टिव हो जाते हैं, एनर्जी लेवल हमारा बढ़ जाता है। तो अब उसके बाद आफ्टर डूइंग दैट मैं फिर आते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट शुड बी हैवी यू नो, क्योंकि रात के समझो हमारा 8-10 घंटे का गैप होता है, क्योंकि डिनर भी हम टाइम से कर लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट में वन थिंग आई विल से कि आपको मिल्क जरूर लेना चाहिए, इट्स रियली गुड फॉर अस, और एक बनाना जरूर लेना चाहिए, मतलब इट कंटेन्स पोटेशियम और दूध में कैल्शियम, मतलब इट्स रियली गुड फॉर अस। और ब्रेकफास्ट के अलग अलग चॉइसेस भी आप बना सकते हैं, जैसे कि आपने मिल्क लिया उसमें मूसली डाल लीजिए, एक बनाना ले लीजिए, और साथ में आप आमंड जरूर, बादाम जरूर लीजिए, 5 बादाम तो जरूर लीजिए, और एक अखरोट की गिरी भी जरूर लीजिए। हाँ, दिल्ली, मैं दिल्ली में रहती हूँ तो यहाँ तो वेरिएशन ऑफ वेदर रहता ही है, कभी समर है, विंटर्स हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स का वो रहता है कि समर्स में अगर खाओ तो लोग कहते हैं हमें गर्मी पड़ गई, तो इसीलिए ठीक है आप, लेकिन आमंड से कोई गर्मी नहीं पड़ती, रात को भिगो दीजिए, वॉलनट भी बीच में एक पीस डाल दीजिए और सुबह आप उसको ले लीजिए। तो ये तो रहा हमारा आमंड और वॉलनट्स। आप किशमिश भी ले सकते हैं, वो भी आप 5-7 दाने बीच में डाल दीजिए, वो दे आर ऑल्सो रियली गुड फॉर यू। उसके बाद ब्रेकफास्ट में आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, आप एक दिन मूसली लीजिए, एक दिन आप चीलास बना लीजिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीलास, बेसन चीला, मूंग दाल चीला, सूजी से भी बन जाता है बहुत अच्छा चीला, वो मैं आपको आगे अपने वीडियोस में बताऊंगी। सो आप वो चीलास का रेसिपी ले सकते हो, उसमें बड़ी बड़ी वेजिटेबल्स डालिए, दे विल बिकम रियली हेल्दी एंड टेक दैट विद द मिल्क। अगर आप एग्स लेते हैं यू कैन हैव एग्स, एग्स भी डिफरेंट फॉर्म्स में बना सकते हैं, पोच है, सनी साइड अप है, स्क्रैम्बल्ड एग है, ऑमलेट है, बॉयल्ड एग्स हैं, एनीथिंग यू कैन हैव। अगर आपको ब्रेड का शौक है तो यू कैन हैव ब्रेड ऑल्सो, आई वॉन्ट से कि डोंट टेक इट, क्योंकि इतने सालों से अगर हम खा रहे हैं तो इस एज में आके थोड़ा सा चेंज करना मुश्किल भी होता है। यू कैन मेक सैंडविच, उसमें आप पनीर लगा लीजिए, चीज़ स्लाइस लगा लीजिए, कुछ चटनी खा ली है वो बना लीजिए, हाँ अगर आपकी कोई सब्जी बनी है पड़ी है वो टेस्टी है अगर आपके लिए, यू कैन मेक पैटी आउट ऑफ दैट, या तवे पे ही कर लीजिए, मतलब एनी थिंग यू कैन डू, बट टेक दूध विद दैट। मिल्क तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस एज में आके ना आपका मिल्क इनटेक हमको डबल कर देना चाहिए। अगर आप एक बार मॉर्निंग में ले रहे हैं तो एक बार शाम को भी आपको जरूर लेना है। और अगर आप कोई पराठा खाते हैं सुबह तो आप वो भी ले सकते हैं, कि कोई भी चीज़ स्टफ़ कर लीजिए उसमें। और हाँ, आप बटर भी जरूर खा सकते हैं, ये मत सोचिए, थोड़ा सा बटर वाइट ले लो, येलो ले लो, हम सब खा सकते हैं, उसके साथ एक गिलास दूध ले लीजिए। और फिर साथ में अगर आपको दलिया का शौक है तो आप नमकीन दलिया, मीठा दलिया,
या फिर चिड़वा, चिड़वा भी बहुत अच्छा है सुबह के लिए, तो आप चिड़वा भी ले सकते हैं। हाँ, परांठे के साथ आप दही भी ले सकते हैं, और अगर आपको दूध की इंटॉलरेंस है तो आप फिर अपने डॉक्टर से पूछ के फिर आप उसका सब्स्टिट्यूट आप अपने डॉक्टर से, आई विल से कि यू कंसल्ट एंड देन यू टेक इट। और इसके बाद जब आपका ब्रेकफास्ट हो जाए, यू टेक योर मेडिसन्स। अगर आपको डायबिटिक हैं, अगर आप बीपी का कुछ लेना है तो वो सब आप पे डिपेंड करता है, लेकिन वाइटमिन्स जरूर लीजिए, मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम, और अपने वाइटमिन डी का भी आप ध्यान जरूर रखिए, और अपना टाइम से आप चेकअप करवाते रहिए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को दिखा के वो सब आप जरूर लेते रहिए, और अपनी हेल्दी लाइफ को एंजॉय कीजिए। सो आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, नाउ यू आर फ्री टू वॉच व्हाट्सएप, फेसबुक, टॉक टू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। सो आई डू दैट, आई होप यू ऑल्सो विल ऑल्सो डू दैट। सो थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैव नॉट डन सो। और आपके कमेंट्स का मुझे बहुत इंतजार रहेगा, आप उसमें नीचे जरूर कमेंट डालिए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसे लग रहे हैं। सो मुझे बहुत उससे यू नो आई फील रियली गुड, और फिर मैं और वीडियोज बनाने का मुझे बहुत एंतु रहेगा। सो प्लीज़ 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 शेयर, लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।